Praise the name of the Lord. Hallelujah! 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 Tadke matenu dhoola, Ya Rab mere Khuda तड़के मैं तेनू ढूंढा <coughs> मेरी जान तेरी तिहाई तन मेरा खुशक सी तुपने तो जमीन ਜਲਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਾਇਆ ਢੜਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂਲ ਢੜਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਵਨ ਪਕਾ ਲੋ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਦਹਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀ ਇਂਗੇ ਡਾਣੇ ਸਭ ਮਨੁਖ ਆਇਆ ਟੜਕੇ ਮਤੈ ਨੂੰ ਧੂਲਾ ਟੜਕੇ ਮਤੈ ਨੂੰ ਧੂ

Hallelujah. Like in a dry and a thirsty land where there is no water, my soul seeks the Lord. Early in the morning will I wake up and I will call upon your name, for I will seek your face. Hallelujah. 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 ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਏ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ होया बलदा तंदूर मेरी दुआ हूँ बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हूँ पहुँचे ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਉਲੂ ਗਦੂ ਬਣਿਆ ਉਲੂ ਗਦੂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਾ ਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਵਾਂਗ ਕੁਮਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਵਾਂਗ ਦਿਲ ਕੁਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਹ ਹੁਣ

Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be your name. Jesus of Nazareth. Bless you, Lord. King of glory. I exalt you, exalt you, exalt you. King of glory, I exalt you. <coughs> Hallelujah. King of glory. <coughs> Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. <laughs> thank you jesus of nazareth bless you king of glory bless you king of glory bless you king of glory hmm. bless you king of glory bless you king of glory <coughs> hmm. hallelujah hmm. हालेलुया, शालोम सबको जय मसीह की हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का जो पहला संदेश अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज एक्सक्यूज मी जिसे हम बी एटीट्यूड्स कहते हैं थियोलॉजिकली द सर्मन ऑफ द लॉर्ड जीजस ऑन द माउंटेन द वर्ल्ड फेमस सरमन ऑफ द लॉर्ड जीजस ऑन द माउंटेन मत्ती पाँच अध्याय द्हां में शुरू होता है एंड इट गोज ऑल द वे टू मैथ्यूज चैप्टर नंबर सेवन मत्ती सात तक ये चलता है प्रभु क्या कहते हैं <coughs> सुनिए मत्ती पांच में एंड सीइंग द मल्टीट्यूड ही वेंट अप इनटू ए माउंटेन बहुत भीड़ जब प्रभु के पीछे आई तो यीशु मसीह एक पहाड़ पे चढ़ गए ऊंची जगह पे ताकि उस पहाड़ से वो जितने लोग हैं सब तक उनकी आवाज पहुंचे व्हेन ही वाज सेट हिज के केम अनटू हिम पहाड़ के चोटी पे यीशु मसीह बैठे और चारों ओर लोग बैठ गए भीड़ लिखा है सेकंड वर्स ही ओपन अप इज माउथ एंड टॉट देम। यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उस भीड़ को सिखाने लगे द मोस्ट प्रोफाउंड मैसेज अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ये बहुत इसकी जो पहली आ, नौ आयतें हैं या पहली आप देख लीजिए सोलह आयतें हैं देखने में बहुत अद्भुत लगती हैं आई मीन ऑल द फिलोसफी ऑफ दिस वर्ल्ड पेल्स इन कंपैरिजन टू दिस टू दिस पावरफुल एंड यू नो मोर प्रोफाउंड देन एनी फिलासफी द वर्ड्स ऑफ जीसस शु मसीह बोलते हैं धन्य है धन्य है धन्य है एट एट टाइम्स जीसस इज ब्लेस्ड 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 आठ बार ब्लेस्ड है ब्लेस्ड आठ बार बोलते हैं और आठ जो है न्यू बिगिनिंग का नंबर है तो <coughs> <coughs> hmm? so, आप देखिए वर्स नंबर थ्री में ब्लेसेड आर पुअर इन द स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ एवन ओरिजिनल हिब्रू में जो वर्ड है ब्लेस्ड के लिए वो है आशेर हाँ ले आशेर ये बहुत अद्भुत शब्द है आशेर यह परमेश्वर के पवित्र नाम का एक हिस्सा है अगर आपको याद होगा जब मोजेज परमेश्वर से परमेश्वर का नाम पूछता है तो सृष्टि का विराट रचिता मोजेज से कहता है आहिया हाइया आहिया, आहिया हाइया अशेर हाइया मैं जो हूं सो हूं एम देर आई विल बी देर आवल बी और आई एग्जिस्ट वही शब्द यीशु मसीह यहां इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेस्ड अशेर हुँ? ये अशेर कौन है ब्लेस्ड कौन है पुअर इन द स्पिरिट जो आत्मा में क्या है गरीब है <laughs> बहुत खुशखबरी की बात है बहुत सारे लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा धन्य है वह जो गरीब हैं, तो अमीर लोगों को तो बहुत ज़्यादा चिंता चिंता हो जाती <laughs> लेकिन यीशु मसीह एक और पॉवर्टी की बात कर रहे हैं एक और गरीबी की बात कर रहे हैं यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य हैं वे जो पुअर इन स्पिरिट है हो सकता है आप गरीब हो, लेकिन आप बहुत रिच हो स्पिरिट में रिच का मतलब घमंड से भरे हों जैसे अमीर को अपनी अमीरी का घमंड होता है ऐसे ही गरीब को अपनी गरीबी का भी अहंकार हो सकता है लेकिन प्रभु यहाँ पे कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं ब्लेसेड आदा प्यर इन स्पिरिट आत्मा में गरीब है आपको मालूम बाइबल में पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे पूरी बाइबल तो so, उसमें आपको आत्मा के आठ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे जो आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूं एट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पिरिट बाइबल बताती है आठ अलग अलग तरह की आत्मा तो सुनिए इसी के तीसरे वचन में अगर आप पढ़ेंगे जो हम हमने अभी पढ़ा Blessed are the poor in इन स्पिरिट spirit. स्पिरिट spirit. Hmm. सबसे पहले बाइबल जिक्र करती है एक ब्रोकन स्पिरिट का <coughs> एक टूटी हुई आत्मा ब्रोकन स्पिरिट मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूं आप उन बचनों को नोट कीजिए हाले ब्रोकन स्पिरिट टूटी बिखरी हुई आत्मा हाले पढ़िए आइजाया, ये शाया नबी की पुस्तक आइजाया, 57 और इसका पंद्रह वचन सुनिए For thus saith the High and the Lofty One, who inhabiteth eternity, whose name is Holy. I dwell in the High and the Holy Place. With Him also that is of a contrite and a humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Prabhu <laughs> parmeshwar मैं महान पर्वत पे वास करता हूँ लेकिन मैं ऐसे बंदे के संग रहता हूँ जिसकी आत्मा टूटी हुई है टूटी आत्मा कंट्राइट ब्रोकन क्रश्ड आत्मा वाले इंसान के संग में वास करता हूँ जिसकी आत्मा बहुत लॉफ्टी है एंड स्पिरिट इज बीमिंग विद प्राइड यह होगा उसके संग नहीं रहता ये उसके संग रहता है जिसकी आत्मा टूटी हुई है जिसकी आत्मा में बिखराव है टूटापन है इसी की यशाया 66 वर्स नंबर टू पढ़ी है यशाया का लास्ट चैप्टर वर्स नंबर टू फॉर ऑल दोज थिंग्स हैथ माइन हैंड मेड एंड ऑल द थिंग्स हैव बीन ऑल दोज थिंग्स द लॉर्ड बट टू दिस मैन विल आई लुक इवन टू हेम दैट इज़ पुअर एंड ऑफ अ कंट्राइट स्पिरिट एंड ट्रम्बल इथ माई वर्ल्ड प्रभु क्या कहता है इसको मैं देखूँगा प्रभु कहता है किस इंसान की ओर मैं अपनी नज़र लगाऊँगा वो इंसान जो टूटे दिल वाला है जिसकी आत्मा खेदित है जिसकी टूटी हुई स्पिरिट है और जो मेरे कलाम को सुन के थरथराता है आपको मालूम स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी बहुत डेंजरस है बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आपको मालूम उनके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति चली क्यों जाती है क्योंकि परमेश्वर को वो ओवरली <coughs> फेमिलियराइज कर लेते हैं गॉड बिकम्स अ वेरी वेरी फेमिलियर एंटिटी एंड व्हेन गॉड बिकम्स वेरी फेमिलियर विद They lose the awe of God. They lose that divine reverence. They lose that fear for the presence of the Lord. And Lord am very common for them. Do not be overly familiarized. Stand in the awe. Stand in His holiness. Revere Him. Dread His word. Fear Him. ये वो व्यक्ति है यशाया सिक्स टू में जो टूटे दिल का है हर दिन परमेश्वर की पवित्रता की खोज करता है परमेश्वर को ग्रेंटेड नहीं लेता परमेश्वर से ज्यादा ओवरली परिचित नहीं है कि परमेश्वर उसके लिए साधारण हो गया प्रतिदिन सुबह उठो आपका हृदय औ से भरा हो परमेश्वर के लिए आपका हृदय भरा हो ग्रेटिट्यूड से अप्रिसिएशन से परमेश्वर की स्तुति से भरा हो आपका हृदय दे परमेश्वर के चर एक एक उमंग हो आपके अंदर प्रतिदिन जब आप उठें नए दिन का सामना करें गहरी उमंग के साथ एक ऐसा अद्भुत धन्यवाद स्तुति का राग आपके अंदर हिलोरे लेना चाहिए और परमेश्वर के सन्मुख ऐसी औ आपके अंदर बनी रहे आपको मालूम क्यों याकूब कहता है अपनी पत्री में इफ़ एनी वन Among you ंग यू लैक्स विजडम लेट हेम गॉड आस्क ऑफ गॉड हू liberally and upbraideth not, upbraideth not. आपको बुद्धि चाहिए स्वर्गीय बुद्धि ताकि आपका परमेश्वर के संग रिश्ता जो है उसमें जो ऑफ एक्टर है उसके अंदर जो परमेश्वर के प्रति आपका एक डीप सीटेड ऑनर है सम्मान है भक्ति है एक ड्रेड है परमेश्वर के लिए फियर है वो कभी जाना नहीं चाहिए इसलिए जब यहोवा के भय का आत्मा आएगा तब बुद्धि शुरू होगी आपके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर वो ओवर फेमिलराइज करते हैं प्रभु से परमेश्वर की पवित्रता ही होलीनेस परमेश्वर की प्योरिटी उसका सम्मान नहीं रहता उन लोगों के दिलों में तो ओवर फेमिलराइज मत करें प्रभु यहोवा अपने वचन में प्रभु यहोवा स्वयं बता रहे हैं प्रभु बता रहे हैं मैं किसके संग रहता हूं यदि आप किसी मनुष्य को देखें स्त्री या पुरुष को और आप ये देखें कि वो प्राइड से भरा हुआ है घमंड से भरा है वो बहुत बड़ा प्रचारक क्यों ना हो बहुत बड़ी सेवकाई उसने स्थापित क्यों ना हो क्यों ना की हो बहुत बड़े बड़े काम क्यों ना किए हो प्रभु के लिए लेकिन अब आप देखते हैं कि वो व्यक्ति घमंड से ओत पोत है तो आपको समझ जाना चाहिए ये शायद सिक्सटी सिक्स टू के बरा मुआफिक प्रभु उसके संग नहीं है प्रभु है जिसका दिल टूटा है जो खाली अंदर से जिसके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है अंदर से चाहे बाहर उसके पास कितना भी कुछ क्यों ना हो लेकिन उसके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है हालिया ए सोल दैट क्लिंग्स टू द क्रॉस अटर्ली एंड ब्रिंग्स नथिंग टू द टेबल एंड कम्स विद अ ब्रोकन हार्ट and with empty hand and seeks him and him alone <coughs> वो है टूटा दिल hallelujah hallelujah broken spirit padhiye पढ़िए आप <coughs> राजा दाऊद की दुआ पढ़ लीजिए साम 51 वर्स नंबर 17 में ज़बूर 51 पढ़ें और उसकी 17 आयत साम 51 देखिए क्या लिखा है साम 51 वन वर्स सेवनटीन द सेक्रीफाइस ऑफ गॉड आर ब्रोकन स्पिरिट क्या है यहोवा का बलिदान हम बोल देते हैं टूटा दिल इट इज़ अ ब्रोकन स्पिरिट द सेक्रीफाइस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट ए ब्रोकन एंड अ कंट्राइट हार्ट और गाड दाओ वेल्टॉट डिस्पाइज क्या परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ती है टूटे दिल की हालेलुया तो ब्रोकन हार्ट ब्रोकन स्पिरिट बाइबल बताती है दूसरी स्पिरिट बाइबल बताती है पेनिटेंट स्पिरिट पेनिटेंट स्पिरिट पढ़िए 61 वर्स नंबर टू यषाया नबी की किताब 61 वन चैप्टर नवी रीड वर्स नंबर टू सुने टू प्रोक्लेम दैक the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach the glad tidings unto the meek, and sent me to bind up the brokenhearted and proclaim liberty to the captive and opening up the prison to them that abound. Hallelujah. Or third verse Melikaya: to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes. <coughs> आत्मा जो मॉर्निंग करती है विलाप करती है पेनिटेंट स्पिरिट जो ये होगा कि आगे विलाप करती है आत्मा वो आत्मा <coughs> <coughs> क्या लिखा है यहां पे वर्ष नंबर मत्ती पांच की चार में ब्लेस ब्लेसेड आर दे दैट मॉन फॉर दे शैल बी कंफर्टेड वो आत्मा जो यहोवा के आगे विलाप करती है मॉर्निंग विलाप यहोवा उन्हें कंफर्ट करेगा हाली लुह मैं आपको एक वचन देता हूँ पढ़िए सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर नंबर सेवन सेकंड कुरिंथियंस चैप्टर नंबर सेवन हाली लुइया सेकेंड कंथियन सेवन नाइन वर्स फ्रॉम वर्स नंबर नाइन नाउ आई रिजॉय नॉट दैट ई वर मेड सॉरी बट दैट ई सारो रन टू रिपेंटेंस तुमने सोग किया पश्चात आपके लिए फॉर आई परसीव द सेम पिसल हैथ मेड यू सॉरी दो इट वर्क फॉर फॉर अ सीजन

एक ऐसा टूटापन पेनिटेंस, एक ऐसी तौबा, सच्ची तौबा, जो अंदर से निकलती है तौबा से भरी हुई रूह एक ऐसी रूह जो तौबा से भरी हुई है हालेलुया पश्चाताप से स्पिरिट ड्रिवन बाय ट्रू पेनिटेंस पढ़िए आप एक वचन यकूब की पत्री एपिसल ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर फोर वर्स नंबर नाइन यकूब चार का नौ बी एफेड एंड मॉन एंड लेट योर लाफ्टर बी टर्न टू मॉर्निंग एंड योर जॉय टू परमेश्वर का दास यकूब जो प्रभु यीशु मसीह का ब्रदर था मरियम यूसुफ का बेटा था वो क्या लिखता है चारध्याय के नौ वचन में कहता है बी एफ्लिक्टेड अपने आप को जख्म दो दुख दो मौर्न और विलाप करो और रो परमेश्वर के आगे तुम्हारा लाफ्टर हंसी जो है वो विलाप में बदल जाए और तुम्हारा आनंद एक गहरे दुख में दर्द में बदल जाए परमेश्वर के सन्मुख इस रीति से आओ हाल तीसरी आत्मा माइल्ड टेम्पर्ड एंड जेंटल स्पिरिट माइल्ड टेम्पर्ड स्पिरिट एंड जेंटल स्पिरिट ये तीसरी आत्मा है। पढ़िए प्रभु इस आत्मा की बात कर रहे हैं मत्ती पांच की पांच में ब्लेसेड आर द मीक दे शैल इनहेरिट द अर्थ ये मीक स्पिरिट है माइल्ड है टेम्पर्ड है जेंटल स्पिरिट है hmm? मैं आपको एक वचन देता हूँ पढ़िए जबूर सैंतीस साम थर्टी सेवन साम थर्टी सेवन निकालिए और उसकी इलेवन आयत पढ़ें साम थर्टी सेवन वर्स नंबर इलेवन सुने बट द मीक शेल inherit द अर्थ एंड शेल delight दैम in इन of ऑफ पीस जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं भजन लिखने वाला वही बात कह रहा है जिनकी स्पिरिट टेंडर है जेंटल हैं जो लोग वो परमेश्वर की मिराश के भागी होंगे हाल पहला पत्रस तीन अध्याय का चार वचन पहला पत्रस निकालें थर्ड चैप्टर वर्स नंबर फोर पहला पत्रस थर्ड चैप्टर वर्स नंबर फोर अब सुने क्या लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पीटर थ्री फोर बट लेट इट बी द हिडन मैन ऑफ आर्ट इन दैट विच इज नॉट करप्टेबल इवन द ऑर्नामेंट ऑफ अ मीक एंड अ क्वाइट स्पिरिट विच इन द साइट ऑफ गॉड ऑफ ग्रेट प्राइज एक ऐसी आत्मा जो दीन है हाल ही क्वाइट स्पिरिट है <coughs> hmm. हलीम है और टेंडर आत्मा है और परमेश्वर के आगे जैसे बहुत क्वाइट है ऐसी स्पिरिट को परमेश्वर हाल ही आशीषित करता है ऐसी आत्मा वालों को यहोवा परमेश्वर आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हुँ? प्रभु यीशु मसीह मत्ती रची सुसमाचार इसी मैथ्यूज़ की गॉस्पल के इलेवन चैप्टर में देखें क्या कहते हैं matthew 11 and 11:29 11:29 जहां पे यीशु मसीह 11:28 में एक इनविटेशन देते हैं देखें 11:29 में क्या कहते हैं خداوند यीशु मसीह मत्ती 11 की 29 में टेक माय योग अपॉन यू एंड लर्न ऑफ मी फॉर आई एम Meek एंड lowly in heart एंड यू शैल फाइंड रेस्ट इन योर सोल्स यीशु मसीह की आत्मा कैसी है मीक एंड लोली आपकी आत्मा में आप बहुत लो कीज में रहें आप ऑस्टेंसिबल स्पिरिट में ना घूमें प्राउड एरगेंट शोई आत्मा में मत घूमें। उर्दू में एक बहुत अच्छा शब्द है शोख शोख रू नहीं चाहिए आपका शोखियों से भरा रू नहीं चाहिए खुदाबंद के आगे यीशु मसीह की अपनी स्पिरिट मत्ती ग्यारह की उनतीस में बताते हैं कि मेरी आत्मा कैसी है मेरी आत्मा बहुत दीन है यीशु मसीह कहते हैं आई एम मीक एंड लोली आपको मालूम अगर मैं आपको कहूं मैं बहुत हम्बल हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं कोई भी मनुष्य अपने <clears throat> मुंह से अगर मियाँ मिठू बनता है ना तो वो मियाँ मिट्ठू है नहीं कोई इंसान जो हम्बल है अपने मुंह से ये नहीं कहेगा आई एम हम्बल एक्सेप्ट जीजस बिकॉज़ ही इज ओनली आई एम इस दुनिया में कोई और आई एम नहीं है आई एम इज वेरी डेंजरस ईगो एम ए आए इट इज वेरी 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 डेंजरस आपको मालूम एम का मतलब क्या है एम परमेश्वर का सर्व शक्तिमान नाम है उसने मोजे से कहा एम हाइया आशेर हाइया हाइया आशेर हाई एक ही है जो हाइया आशेर हाइया है एम है उसका नाम है यीशु मसीह उसे छोड़ के कोई और एम नहीं है आपको मालूम यही हाइया आशर हाइया एम अपने आप को किसने कहना चाहा लूसीफर ने पांच बार उसने कहा आई विल आई विल आई विल आई यूज किया और आप जानते हैं उसका हशर क्या हुआ हालिया यशु मसीह लोली है वो कहता है मी लोली ही इज वेरी अनसूमिंग ही इज इन वेरी लो कीज ही इज वेरी सिंपल अब आज के देखिए आप लोग आई एम मीक एंड लोली येशु मसीह कहते हैं अपन, अपना अपना कैरेक्टर बता रहे हैं अब इस येशु मसीह के कैरेक्टर के संग आज के झूठे नबियों झूठे सेलिब्रिटी पास्टों का कैरेक्टर रखें आप ये दो यीशु मसीह के करैक्टरिस्टिक के संग उनका साइड बाय साइड करैक्टर रखें आप देखें वो मीक और लोली हैं यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आई एम वेरी गिफ्टेड I am very anointed. I am flowing in the gifts of the Spirit. He said, I am meek and lowly. जब यीशु मसीह मत्ती ग्यारह अट्ठाईस में लोगों को बुला रहा है अपने पास लोगों को अपने पास आने का इनविटेशन दे रहा है उसी समय अपने करैक्टर की बात कर रहा है आई एम meek and लोली वो आपको और मुझे मीक एंड लोली बनाना चाहता है तो जो प्राइड है ना जो दिखावा है जो शो शो केसिंग करते हैं हम अपने गिफ्टों की बहुत सारे लोग कैसी शो केसिंग करते हैं कितने गिफ्ट हैं हमारे पास कितने वरदान हैं उनको दिखा के अपनी मिनिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं यीशु मसीह कैसे अपनी मिनिस्ट्री बिल्ड करता है ये कह के आया मी कैन लोली वो टूटे दिल वाले खाली दिल वाले टूटी रूह वाले खाली रूह वाले पेनिटेंट रूह वाले तोहबा से भरी रूह वाले और कैसी रूह वाले लोगों को बुला रहा है माइल्ड टेम्पर्ड एंड जेंटल ऐसे लोगों को बुला रहा है जिनकी रूहें जेंटल हों बहुत सॉफ्ट हों जिनकी रूहें बहुत अन असूमिंग हों जो बहुत लो की में चलने वाले लोग हों जो दिखावे से भागते हों घमंड से भागते हों शोखियों से भागते हों आजकल के बहुत सारे लोग तो शोखियों की रूह से भरे हुए हैं दिखावा अडम्बल शो केसिंग यही है उनके पास तो ऐसे लोगों के संग यीशु मसीह की संगति नहीं है ये आप जान लीजिए कलाम को पढ़ के हाल चौथी आत्मा चौथी रूह कौन सी है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर कहता है धन्य दे आर ब्लेस्ड ये आत्मा वाले लोग ब्लेस्ड हैं समझ आप, रहे हैं आप तो कहते हो ना गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू तो ब्लेसिंग तो उसी के ऊपर आके ठहरेगी जो सही बर्तन है केवल बोलने से ब्लेसिंग नहीं उतर आएगी ये है ब्लेसिंग के पैरामीटर चौथी आत्मा क्या है चौथी आत्मा है भूखी आत्मा जो प्रभु के लिए भूखी है छठे वचन में मत्ती पाँच के श्रे में क्या कहते हैं प्रभु ब्लेसेड आर दे विच डू हंगर एंड थर्स्ट जो भूखे हैं और प्यासे हैं आज लोगों को भूख प्यास है ही नहीं मैं परमेश्वर के कलाम के लिए तड़पता हूँ परमेश्वर के कलाम का भूखा हूँ सुबह उठ जाता हूँ अंधेरे दो बजे तीन बजे खोज करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी की खोज करता हूँ परमेश्वर के मन्ना के बरसने की ताकि मेरी भूख मिटे मेरी प्यास मिटे प्रतिदिन मैं अपनी भूख और अपनी प्यास को मरने नहीं देता कहीं ऐसा ना हो घमंड मेरी भूख को मार दे कहीं ऐसा ना हो लोग बड़ी वाहवाही करें क्या बात है कितने ज़बरदस्त खुदा के बंदे मैं इन बातों को अपने पास नहीं आने देता दुनिया का दिखावा अहंकार फोकी शान ये मेरी भूख को मारे पाप आपकी भूख को मार देगा जब कोई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बड़े भूखे प्यासे थे प्रभु के बहुत प्रभु के खोजी थे लगन से प्रभु के पीछे चले भागे लेकिन पाप में गिर गए और भूख खत्म हो गई जब पाप आपके जीवन में आएगा आपको कलाम अच्छा ही नहीं लगेगा आपका दिल ही नहीं करेगा सुने परमेश्वर का वचन पढ़ें परमेश्वर की वाणी प्रार्थना करें उपवास रखें संगति में चलें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सिंह पाप ने आके आपकी पाप आपकी भूख और प्यास को खा जाएगा यीशु मसीह कहते हैं कॉन्स्टेंटली हर दिन आपके अंदर भूख और प्यास मेंटेन रहनी चाहिए आपकी भूख और प्यास बढ़ती जानी चाहिए प्रभु के लिए अगर तो आपने यीशु मसीह के चेहरे का हल्का सा दीदार कर लिया है और रोज़ आपको यीशु मसीह के चेहरे का हल्का हल्का दर्शन होता है तो आप तो दीवाने हो जाएंगे भूखे हो जाएंगे प्यासे हो जाएंगे आप ये जो ईसाई जाते हैं ना बड़ी बड़ी चर्चेस के अंदर जो बहुत आ, मतलब स्टेटस टाइप प्रोग्राम है ऐसे नहीं होंगे आप क्रिश्चियन आप होंगे भूखे प्यासे कॉन्स्टेंटली आपके अंदर भूख होगी मैं भाई और बहनों चर्चेज में जा मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ मुझे भूख और प्यास तो दिखाई देती नहीं है लोगों में कोई लोग होते हैं जो भूखे प्यासे होते हैं और जो भूखे प्यासे होते हैं उनके चेहरे पे एक नूर चमक रहा होता है कलीसिया इज़ जैसे मैं जब खाना खा लूँ ना पूरी तरह तो मैं बोलता आई एम फुली फेड अप ये लोग फुली फेड अप हैं जैसे अमेरिका में एक टर्म यूज़ करते हैं जो नॉर्दर्न हेमिसफियर पे क्रिश्चियन रहते हैं ना नॉर्दर्न साइड उन्हें बोलते हैं चोजन फ्रोजन चोजन है बट फ्रोजन है फ्रीज हो रखी है क्रिश्चियनिटी प्रेज द नेम ऑफ़ द लॉर्ड सॉरी द कनेक्शन वाज बैड डिसकनेक्टेड हाल थैंक यू जीजस ऑफ नैचरल Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Lord Jesus, I bless you, bless you, bless you, bless you, Lord Jesus, bless you. I praise you, praise you. Lord Jesus, I magnify you, magnify you. Lord Jesus, I glorify you, glorify you. आप सभी वापस आ continue करता Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. <coughs> mm. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth.

ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਸ ਮਤ ਜੇ ਹਤੇ ਰ ਕਰ ਮੁਕਦਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੜਕੇ मैं तैनु ढूंढा या रब मेरे खुदा तड़के मैं तैनु ढूंढा या रब मेरे खुदा जो तेरी मेरे वानी बेहतर के ज़िंदगानी जो तेरी मेर वानी बेहतर के ज़िंदगानी गी होवे मेरी जवानी आई वे खुद तड़के मैं तेन डूँ या रब मेरे खुदा हाल हुई मलकियत गिल जी हमें एक घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जय मसीह की यह कनेक्शन टूट गया था फिर दोबारा हमने इसे इस्टाब्लिश किया तो मैंने आपको बताया माइल्ड टेम्पर्ड जेंटल स्पिरिट और फिर मैंने आपको बताया भूखी और प्यासी आत्मा प्रभु के लिए भूखी और प्यासी आत्मा हालेलुया भूख और प्यास से भरे लोग साम 42 में चले साम 42 42 साम उसके फर्स्ट वचन से पढ़ें साम 42 साम 42 See what here. Psalm forty two verse number one से Famous Psalm Hallelujah As the deer penteth after the waters water brooks, so penteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. Where shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? मेरी रू खुदा की प्यासी है मेरी रू <चालीवसा> मेरी रू खुदा की प्यासी है 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 मेरी रूह मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह मेरी रूह मेरी रूह मेरी रूह साम सिक्सटी थ्री नंबर वन O oh God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and a thirsty land is no water. Hallelujah. Kya Raja hey Yahova, main tujhe dhundhunga. I will seek you early in the morning. मैं इसलिए ढूंढूंगा क्योंकि मैं तेरा प्यासा हूँ हाँ ले लू है हो भाई और बहनों बहुत सारे लोगों को आपको मालूम ये प्यास क्यों नहीं है क्योंकि वो अपनी ये प्यास बुझाते हैं प्रॉस्पेरिटी से इस प्यास को उन्होंने बुझा लिया प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्परस लाइफ एक और गॉस्पेल पे विश्वास कर लिया उन्होंने अब उनके अंदर ये भूख नहीं है संसार संसार की चीज़ें दुनिया दुनिया की मटेरियल चीज़ें उन्होंने इस प्यास को बुझा दिया है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यूनाइटेड किंग है नॉर्दर्न और सदरन किंगडम का इज अ ग्रेट मोनार्क बहुत बड़ा राजा है लेकिन भूखा है यहोवा का प्यासा है येवा का ये राजा किसी हासन पे बैठा राज्य करता है लेकिन उस गद्दी ने राज गद्दी ने राज महल के भैभव ने इसकी प्यास को बुझाया नहीं अपनी प्यास मत बुझने दे अगर प्यास बुझ गई प्रभु के लिए भूख खत्म होगी तो जीवन खत्म आपका आप एक प्लास्टिक क्रिश्चियन रह जाएंगे का काकी जस्ट काकी क्रिश्चियन मे बी यू विल टॉक सो मेनी स्क्रिप्चर्स मे बी यू विल टॉक सो मच मे बी यू लुक सो डिसेंट ऑन दी आउटसाइड सुपर ब्लेस्ड फलाना ढिमका बहुत कुछ बोलोगे लेकिन भूख प्यास नहीं तो आप अंदर से ख़त्म हो ये भूख और प्यास ही साइन है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है देखें राजा दाऊद क्या कहता है ओ गॉड दावाट माई गॉड अर्ली वाई सीख दी कौन ढूंढता है सुबह उठ के ये को कौन ढूंढता है जो भूखा होता है जो प्यासा होता है जिसका पेट बढ़िया बढ़िया खानों से नहीं भरता जिसकी भूख सोने चांदी हीरे मोती से नहीं भरती जिसकी प्यास रियल एस्टेट बंगला गाड़ियों से नहीं भरती वो सुबह उठ के ढूंढता है और गाता है तड़के मैं तैनू डा यार बब मेरे खुद तड़के मैं तैनू डूड मेरी जान तेरी तिहाई मेरी जान तेरी तिहाई ते तन मेरा खुशक साई तो जमीन जलाई मैं भी हाँ तेरा तिहाया ते मैं भाई और बहनों ये भूख ये प्यास अगर आपके अंदर है तो आप धन्य हो यू आर ब्लेस्ड यही बात यीशु मसीह कह रहा है ब्लेस्ड कौन है ब्लेस्ड वो नहीं है जिनके पास गाड़ियां हैं बंगले हैं रियल एस्टेट है जिनको पादरी बता रहे हैं तुम ब्लेस्ड हो ये है ब्लैस्ड ये ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है ब्लेस्ड लोगों की कैटेगरी ये जितने भी वचन मैं आपको दे रहा हूँ इनमें से एक भी ये पैगाम वो झूठे नबी नहीं देंगे वो झूठे प्रचारक नहीं देंगे इन वचनों को नहीं सिखाएंगे जो मैं सिखा रहा हूं कि ब्लेस्ड कौन है बरकत पाए कौन है मत्ती पांच अध्याय में आठ लोगों को कहा गया बरकत पाए आठ कैटेगरी हैं लोगों की जिन्होंने बरकत पाई है वो आठ की आठ कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं आज ये आठ किस्म के वो लोग हैं जिनकी आठ अलग तरह की रूह है और यह इन्हें कहता है तुम बरकत याफ्ता हो मेरी नजर में मैं तुम्हें कहता हूं आर ब्लेस्ड ये नहीं जिन्हें ये झूठे नबी कहते हैं सुपर ब्लेस्ड फलाना ब्लेस्ड धमकाना ब्लेस्ड बड़ा मीन बड़ी बरकत ये ये लोग हैं जिन्हें जीजस कहता है यू आर ब्लेस्ड आपको मालूम ब्लेस्ड आप कब हैं जब जीजस आपको कहते हैं आर ब्लेस्ड जब स्वर्ग का परमेश्वर आपको कहता है आप ब्लेस्ड हो तब आप ब्लेस्ड हो आपको स्वर्ग का परमेश्वर तब कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो जब आप स्वर्ग का क्राइटेरियन मीट करते हो स्वर्ग के स्टैंडर्ड के अनुसार आपका जीवन है तब स्वर्ग का परमेश्वर आपको कहता है कि आप ब्लेस्ड हो आप बरकत पाए हुए हो हालेलुया चौथी आत्मा आपको बता रहा हूं जिसे प्रभु ये आठ आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु कहता है ये बरकत वाली रूहें हैं ये आठ अलग अलग रूह के लोग हैं जिन्हें खुदावंत कहता है तुम बरकत पाए हो तुम ब्लेस्ड हो जिन्हें प्रभु कहे ना ब्लेस्ड वो ब्लेस्ड है बाकी ये फोका ब्लेसिंग है सुपर ब्लेस्ड फलाना ब्लेस्ड हाल लू ये शाम भजन सहिता बयासी उसका वचन नंबर दो हाउ लॉन्ग विल ही जज अनजस्टली एंड एक्सेप्ट द पर्सन ऑफ द विकेड ये नहीं है स्क्रिप्चर ये रॉन्ग रेफरेंस है हाल लुया एट्टी एटी फोर है भाई अब तो, मैं 82 टू देख रहा हूँ साम एटी फोर वर्स नंबर टू सुने क्या कहता है भजन लिखने वाला साम 82 टू में माई सोल लोंगेथ ये इवन फेंटेड फॉर द कोर्ट्स ऑफ द लोड माई हार्ट एंड माई फ्लैश क्राई आउट फॉर द लिविंग गॉड मेरी जान भूखी है यहोवा के आंगनों की प्यासी है मेरा दिल और मेरा जो शरीर है जिसम यहोवा के लिए चिल्ला रहे हैं भूखे हैं साम वर्स नंबर टू है समीना अशरफ जी साम 84 वर्स नंबर टू हालई है ये हैं भूखे और प्यासे लोग जिन्हें यहोवा कहता है तुम धन्य हो यीशु मसीह खुद ये बुलाहट देता है यहुन्ना रची सुसमाचार सात अध्याय उसके सैंतीस वचन में यीशु मसीह कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए यहुन्ना सात का सैंतीस और यह प्यास निरंतर लगी रहनी चाहिए आपके अंदर पांचवी आत्मा कौन सी है जिसे प्रभु कहता है, तुम धन्य हो सात वचन मत्ती पांच का साथ ब्लेसेड आर द फॉर दे शैल दिशा मर्सी, मर्सी। यह वो आत्मा है जो करुणा से भरी है कंपैशन से भरी है दूसरों के ऊपर दया करती है आत्मा ये वो आत्मा वाले लोग हैं कंपैशन वाले दया वाले लोग हैं जिन्हें यहोवा कहता है तुम धन्य हो पढ़े आप मत्ती अठारह अध्याय उसका सत्ताईस वचन मत्ती तो क्या कहता है यहाँ पे द लोर ऑफ दैट सर्वेंट वॉज मूवड विद कंपैशन अट्ठारह का सत्ताईस मूड विद कम्फैशन एंड लूज एंड फरगेव हिज डेट हाल यहां पे उस स्वामी का जिक्र हो रहा है जो दया और तरस से भर गया और उसने सारा कर्जा माफ कर दिया ही फरगेब एंटायर डेथ पूरा कर्जा उसने माफ कर दिया क्योंकि वो दया और तरस से भरा हुआ परमेश्वर है पहला पत्रस तीन अध्याय का आठ वचन पढ़ें पहला पत्रस उसका तीन अध्याय और उसका आठ वचन फर्स्ट पीटर थ्री एंड एट पहला पत्रस तीन का आठ सुने क्या लिखा है पहला पत्रस तीन ऑल ऑफ वन माइंड हैविंग कंपैशन वन ऑफ अनदर लव एज ब्रदरन बी प्यूटिफुल एंड हे प्यारो फाइनली अंत में एक दूसरे के प्रति करुणा से भरे रहो दया से भरे रहो लव एस ब्रदर भाइयों की तरह प्यार करो तर्स खाने वाले बनो बी कर्टियस दूसरों की सहायता करने वाले बनो हाल ये वो लोग हैं जिनकी रूहें कंपैशन से भरी हैं जो दूसरों को देख के किसी की दुख को देख के उस पर दया करते हैं किसी की गरीबी को देख के अपनी जेब खोलते हैं अपना दिल खोलते हैं इनके बोल्स ऑफ मर्सी जो है ना बाइबल में एक टर्म है द बोल्स ऑफ मर्सी हमारे अंदर करुणा के कटोरे हैं हमारे पेट के अंदर वो उछलते हैं दूसरों की कमी दूसरों की जरूरत देख के आप ऐसे नहीं हो दूसरों की ज़रूरत देख के और आपके दिल को ताला लग जाता है जब आप किसी मसीह भाई को जरूरत में देखते हो तंगी में देखते हो परेशानी में देखते हो आपके अंदर बोल्स ऑफ मर्सी हैं ये जूश कोलोकलिज़म है जो करुणा के कटोरे हैं ना आपके अंदर वो उछलने लगते हैं ताकि आप दूसरों की सहायता करें ज़रूरत में जो है उनकी धन से सहायता करें पैसा दें उनको जो उनको नेसेसिटी है वो उनकी पूरी करें क्योंकि आप का जो दिल है जो रूह है वो कंपैशन वाला रूह है जो ऐसे करुणा करते हैं दया करते हैं दूसरों पे, विधवाओं पे, अनाथों पे, ज़रूरतमंद लोगों परदेसियों पे, पे, अपने मसीह भाई बहनों पे करुणा करते हैं दया दिखाते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर कहता तुम धन्य हो You are blessed. कहने से नहीं हो जाएगा आई एम सुपर ब्लेस्ड आई एम फलाना ब्लेस्ड ये प्रभु कह रहा जो धन्य है इन कैटेगरी के लोगों को प्रभु कहता है धन्य है कंपैशनेट और मर्सीफुल स्पिरिट वाला बंदा धन्य है छठी आत्मा कौन सी है जिसे प्रभु कहता है तुम धन्य हो मत्ती पांच अध्याय में मत्ती पांच अध्याय को मैं आपके ऊपर खोल रहा हूं मत्ती पांच की उन आठ ब्लेसिंग को जिन्हें बी एटीट्यूड कहते हैं उन्हें आपके लिए खोल रहा हूं छठी आत्मा है प्योर स्पिरिट शुद्ध रू पवित्र रू इसका आठ वचन पढ़े इसका आठ वचन ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट ये वो लोग हैं जिनकी रूह अंदर से पवित्र है साफ है अंदर से हाली लुया प्योर स्पिरिट जिसकी स्पिरिट प्योर है उसे यीशु मसीह कहते हैं तुम धन्य हो हाली पढ़े फिलिपियों की पत्री चार अध्याय उसका आठ वचन फिलिपियों चार का आठ हाल सुने फिलिपियों चार के आठ में क्या लिखा है यहां पे लिखा है फाइनली ब्रदरन व्हाट्सोर एवर थिंग्स आर ट्रू व्हाट्स एवर थिंग्स आर ऑनेस्ट व्हाट्स एवर एवर थिंग्स थिंग्स आर जस्ट whatsoever एवर थिंग्स आर प्योर things एवर lovely, आर लवली are of आर report, गुड रिपोर्ट इफ देयर बी एनी इफ देयर बी एनी वर्च्यू एंड इफ देयर बी एनी on थिंक ऑन दीज थिंग्स कौन चीज़ों के ऊपर मन लगाना है ये पढ़ लें आप. आपने इन्हीं चीजों पे मन लगाना है फिलिपियों चार की आठ में जो लिखी है जो दूसरी चीजें उनके ऊपर मन नहीं लगाना प्योर चीजों पे मन लगाना पहला तिमोथियस एक का पांच पढ़ लें जल्दी से पहला तिमोथियस एक अध्याय उसका पाँच वचन जल्दी से निकालें पहला तिमोथियस एक का पाँच सुने क्या लिखा है फर्स्ट तिमोथी वन फाइव पहला तिमोथी एक के पांच में लिखा है नाउ द एंड ऑफ द कमेंडमेंट इज चैरिटी आउट ऑफ अ प्योर हार्ट एंड अ गुड कॉन्शियस एंड ऑफ फेथ अनफेन्ड सुने Heavy, heavy scripture ये कहता है नाउ द एंड ऑफ द कमेंडमेंट इज चैरिटी आज्ञा का परमेश्वर की आज्ञाओं का अंत जैसे कहते हैं ना सौ हथ रस्सा गंड तो वो क्या है वो है प्रेम चैरिटी अगापे, परमेश्वर का प्यार पर प्यार कैसे दिल से प्योर हार्ट से शुद्ध रूह से वो प्यार करना है आपने एंड ऑफ गुड कॉन्शियंस और आपका विवेक भला होना चाहिए जमीर भला होना चाहिए बुरे जमीर से नहीं करना मन में बुराई रख के भी लोग चैरिटी करते हैं प्रेत पलूस कहता है कोई इंसान अपने पूरी शरीर को जलने के लिए दे सकता है दूसरों के लिए कोई इंसान अपना सारा धन दौलत दे सकता है लेकिन उसके अंदर हो सकता है अगापे ना हो तो प्रेम परमेश्वर के प्रेम की धारा में बह के ये काम करने हैं गुड कॉन्शियस अच्छे विवेक से एंड फेथ अनफेन्ड ऐसा विश्वास जिसके अंदर धोखा नहीं है हालेलुया ही है यह है प्योर इन स्पिरिट हुँ? शुद्ध आत्मा इसी का पाँच का बाईस फर्स्ट तिमथी फाइव ट्वेंटी टू पढ़ लीजिए फर्स्ट तिमथी चैप्टर नंबर फाइव एंड वर्स नंबर ट्वेंटी टू पढ़िए फर्स्ट तिमथी फाइव ट्वेंटी टू सुने पहला तिमो थी पाँच की बाईस यहां लिखा है ले हैंड सडनली ऑन नो मैन नीदर बी पर ऑफ अदर सेंस कीप योर सेल्फ प्योर अपनी आत्मा को शुद्ध रखें जल्दी से किसी पे हाथ रख के दुआ मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ बहुत लोग इजी समझते हैं किसी के सर पे हाथ रख के दुआ कर देना लोगों को मालूम नहीं है कि लेइंग ऑफ हैंड की शिक्षा क्या है बहुत गहरी इम्पार्टेशन है दूसरे के सर पे हाथ रखना और लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और हाथ रख देते हैं और कई लोग बीमार पड़ जाते हैं कई लोगों को दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं क्योंकि अभी वो दूसरे को देने की अवस्था में नहीं है देखिए ग्रेविटी के कारण पानी ऊंची जगह से नीची जगह को बहता है कभी नीचे वाली जगह से आप ग्रेविटी के द्वारा पानी ऊपर नहीं चढ़ा सकते पंप लगाना पड़ेगा आपको यदि आपके हाथ में यह होगा कि दी आशीष है तो वो आशीष आपके हाथ में से फ्लो करेगी वरना आपने ये रिलीजन शुरू किया हुआ है एम्प्टी रिलीजन हाल पहला पत्रस एक का बाईस भी आपको पढ़ाना चाहता हूं पहला पत्रस एक अध्याय का बाईस वचन फर्स्ट पीटर वन ट्वेंटी टू स्पीटर चैप्टर वन वर्स नंबर ट्वेंटी टू सींग ई हैव प्योरिफाइड योर सोल्स इन ओबेइंग द ट्रूथ थ्रू द स्पिरिट अन फेंड लव ऑफ द ब्रदर सी दैट ई लव वन अनदर विद अ प्योर हार्ट फरवेंटली ये जो प्योरिटी है ना स्पिरिट की इसका कनेक्शन है एक दूसरे के प्रति जो आपका प्रेम है उसके संग देखें कि तुम्हारी जो जान है वो शुद्ध है जान सोल प्योर है इन ओबेइंग द ट्रूथ परमेश्वर के सत्य की आज्ञा मानने के द्वारा थ्रू द स्पिरिट अनू अन फेंड लव आत्मा के द्वारा एक ऐसा प्रेम बनावटी प्यार नहीं है ये ये छलिया प्यार नहीं है बहुत सारे मसीह लोग बनावटी और छल करने वाला प्यार करते हैं सींग दैट ही लव वनदर विज अ प्योर हार्ट एक प्योर आत्मा से एक शुद्ध आत्मा से प्रेम करना है एक दूसरे से प्योर स्पिरिट सातवीं स्पिरिट कौन सी है सातवी स्पिरिट है स्पिरिट ऑफ विजडम एंड मेडिटेशन हालेलुया मत्ती पांच अध्याय में से पढ़िए उसकी नौवीं वचन ब्लेसेड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड यह कौन सी आत्मा है विजडम की और मीडिएशन की बुद्धि की और मेल कराने की आत्मा बुद्धि की और मेल कराने की रूह जिसके पास है उसे परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो हाल रोम बहुत सारे लोग ना दूसरों के बीच में झगड़ा कराते हैं फाड़ डालते हैं डिवीज़न डालते हैं एक दूसरे को बहुत कनिंग ढंग में विश्वासी विश्वासियों को एक दूसरे से अलग करते हैं चुगली करते हैं करैक्टर असेसिनेट करते हैं दूसरों के विषय में बुरी बातें बोल के पर्सनली उनका करेक्टर असेसिनेट करते हैं और फाड़ते हैं लोगों को शैतानी रूह है मेल का रूह बुद्धि का रूह है और इस रूह वाले लोगों को यहोवा धन्य कहता है यहोवा के लिए धन्य कहता है मैं ये आज आपको बता रहा हूं सुबह रोमियो की पत्री 14 अध्याय उन्नीस वचन पढ़िए लेट आस देअर फॉर फॉलो आफ्टर थिंग्स विच मेक फॉर पीस एंड थिंग्स वेयर विद वन मे एडिफाई एन अदर मेल मिलाप वाली चीजें ढूंढें और एक दूसरे के विकास और तरक्की की खोज करें दूसरों को बढ़ाएं गिराएं नहीं पहला क्रिंथियो तेरह अध्याय पढ़ लीजिए पूरा अध्याय प्रेरित इसी विषय पे लिख रहा है मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ आपके लिए पहला क्रिंथियो तेरह दो आई स्पीक विद्स ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स एंड हैव नो चैरिटी आई एम बिकम ए साउंडिंग ब्रास एंड अ टिंकलिंग सिंबल प्रेम पुलुष कह रहा है कि तुम अगर मनुष्यों की भाषा में बोलो स्वर्गदूतों की भाषा में बोलो और जोर जोर से अन्य अन्य भाषा बोलो जोर जोर से को बरा बरा बारा, बारा, बारा कर सा गाता नाशा का ताला। आपको मालूम कैरिस्मेटिक लोगों ने अपना मजाक क्यों बनवाया इन बातों के करके प्रेत पुलुस कहता है तुम अन्य अन्य भाषा तो बहुत बोलते हो लेकिन प्यार नहीं है तुम्हारे अंदर किसी गरीब विश्वासी भाई की जरूरत को देख के तुम्हारे दिल को ताला लग जाता है और तुम्हारे हाथ बंद जाते हैं युन्ना अपनी पत्नी में कहता है कि तुम्हारे पास कोई भाई आता है वो भूखा है तो आप क्या करोगे आप तो बहुत आत्मिक हो आप उसके पेट पे हाथ रख के दुआ कर दोगे प्रभु इसका पेट भर जाए है ना प्रभु का दास कहता है अगर कोई सर्दी है और कोई भाई आता उसके पास कपड़े नहीं है वॉम तो आप उसके लिए दुआ करते हो सुखी जा ते गर्म रहो सुख से जा आनंद से जा और गर्म गर्म रह अपने घर में जाके ये है क्रिश्चियनिटी लोगों की कहां से आपको प्रभु कहेगा ब्लेस्ड पादरी तो कह देगा ब्लेस्ड लेकिन प्रभु नहीं कहेगा ब्लेस्ड हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में विजडम की आत्मा और प्रेम की आत्मा और मेल मिलाप कराने वाली आत्मा सातवीं आत्मा आठवीं आत्मा कौन सी है पढ़ें इसका दस वचन से मत्ती के दस से ब्लैसेड आर दे विच आर परसिक्यूटेड फॉर राइस सेक फॉर देयर द किंगडम ब्लेसेड आर ईव एंड मैन रिवाइव यू परसिक्यूट यू एंड से ऑल मैनर ऑफ ईवल अगेंस्ट यू फॉल्सली फॉर माई सेक कहता प्रभु कि धन्य हो तुम जब तुम्हें सताया जाता है धार्मिकता के लिए बहुत सारे लोग सताए जाते हैं अपने बुरे कामों के लिए तुमने खुद बुरे काम किए उसके लिए सजा मिल रही है वो नहीं वो तो प्रभु के नाम की निंदा करवाते हैं पर आपका जीवन धर्मी है आप पवित्र हो आप सीधी चाल चल रहे हो दुष्ट लोग आपको सताते हैं दुष्ट लोग आपको प्रोसिक्यूट करते हैं और झूठी बातें आपके बारे में बोलते हैं फॉल्सली इसलिए क्योंकि आप प्रभु के हो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए दुख मिलता है तब आप धन्य हो अगर आप अपने बुरे कामों के लिए जेल जा रहे हो बुरे कामों के लिए आपको सजा मिल रही है तो उसमें प्रभु की कोई महिमा नहीं है ब्लेसेड आप तब हो धन्य आप कब हो जब आपको सताया जाता है आपके बारे में लोग गलत बातें बोलते हैं और आप किसी को जाके अपनी सफाई नहीं देते आप खामोश रहते हो आपके चरित्र के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं लोग आपका कत्ल करते हैं आपके करेक्टर का आप चुप रहते हो आप किसी को जाके अपनी सफाई नहीं देते क्यों क्योंकि आप जानते हो प्रभु आपको मालूम प्रभु यह कौन है वचन में लिखा है इज अ सॉवरेन विंडिकेटर ऑफ द राइचिस वो धर्मियों की तरफदारी करने वाला धर्मियों के लिए खुद खड़ा होकर जवाब देता है वो दुष्ट लोगों को कि ये मेरा जन है इसके ऊपर मेरा हाथ है ये मेरा पवित्र भक्त है ये मेरा प्यारा बेटा है तू अपना मुंह बंद कर वरना तेरे पे सजाएगी हाल लु है ये कौन डिफेंड कौन करता है परमेश्वर के धर्मी लोगों को खुद यहोवा परमेश्वर परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति कभी अपना अपनी सफाई नहीं देगा उसे जरूरत नहीं है हाल तो प्रभु कहता है तुम लॉन्ग सफरिंग हो दुख भोगते हो मेरे लिए हुँ? मेरे लिए दुख उठाते हो जब तुम मेरे लिए दुख उठाते हो मेरे राज्य के लिए दुख उठाते हो तो प्रभु कहता है तुम धन्य हो मगर अगर तुम अपने पापों के कारण अपने बुरे कामों के कारण दुख भोगते हो तो इसमें कोई शान नहीं है बल्कि इससे परमेश्वर के नाम की निंदा है पर अगर तुम मेरे लिए दुख भोगते हो तो तुम धन्य हो परमेश्वर आपको धन्य कहता है मत्ती दस की सोलह से पढ़ें। मत्ती दस की सोलह क्या कहता है प्रभु Behold आई सेंड यू फोर्थ एज शीप इन दिड्स ऑफ वर्ल्ब बी ई दियर फॉर वाइज एज सर्फेंट एंड हार्मलेस एज डब देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ भेज रहा हूँ तुम भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में जा रहे हो इसलिए सांपों की तरह चतुर और कबूतरों की तरह भोले रहना बिवेयर ऑफ मैन फॉर दे शैल डिलीवर यू अप टू एंड दे विल स्कर्ज यू इन सिनेगॉग्स प्रभु कहता है वो तुम्हें पकड़ के पंचायतों में मजलिसों में लेके जाएंगे और मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे यीशु मसीह के नाम के कारण जब लोग सताए जाएं Hallelujah. पहला पत्रस तीन अध्याय में प्रेरित पत्रस अद्भुत बात लिखता जो मैंने आपको कई बार बताई है ये नीरो के समय की बात है जब नीरो मसीहों को जला देता था नीरो पार्टी करता था अंधेरे में बैठ के गार्डन में कोई रोशनी नहीं जलती थी मसीहों को एक दूसरे के साथ पीठ बांध के वहां पर लाया जाता था और नीरो मसीहों को जिंदा जलवाता था तो जब उनके शरीर जलते थे प्रभु के लोगों के प्रभु के लोगों के जलते शरीरों की रोशनी जो होती थी लाइट पैदा होती थी उसमें नीरो राजा दारू पीता था मदिरा लेता था गोश्त खाता था और औरतें नाचती थी उसके आगे हम्म पढ़ें पहला पत्र तीन अध्याय का चौदह वचन पहला पत्र तीन का चौदह से सत्रह हरे लुिया बट एंड इफ ई सफर फॉर राइच सेक हैप्पी आर ई एंड बी नॉट अफ्रेड ऑफ दियर टेरर नीदर बी इट ट्रबल्ड। यदि तुम धार्मिकता के लिए दुख उठाते हो तो तुम ब्लेस्ड हो यहाँ पे वही वर्ड है अशेर यू आर ब्लेस्ड बी नॉट अफ्रेड ऑफ देयर टेरर उनसे मत डरो और घबराओ मत बट सेंटिफाई द लोड गॉड इन योर हार्ट परमेश्वर को अपने दिलों में पवित्र रखो बी ई रेडी ऑलवेज टू गिव एन आंसर टू एवरी मैन दैट आस्के थ रीजन ऑफ द होप देट इज इन यू विद मीकनेस एंड फीयर हाल लूअर सोलह वचन और सत्रह वचन भी पढ़ लीजिए अद्भुत वचन है ये मसीह के लिए दुख भोगो पहला पत्रस तेरह की चौदह से सतारा ये छठ सातवीं आत्मा वाले लोग हैं जो धन्य हैं आठवीं आत्मा वाले हुँ? पहला पत्रस चार की तीन से भी पढ़ता हूं आपके लिए पहला पत्रस चार अध्याय के तीन वचन से सुने फॉर द टाइम पास्ट ऑफ योर लाइफ मे सफाइस आज टू हैव रॉट द विल ऑफ द जेंटाइल वेन वी वॉकड इन लस्टिवियस सेस ऑफ वाइन रेवलिंग बैंकुटिंग एंड अबोमिनेबल आइडोलेटरीज वेयर फॉर दे थिंक इट इज स्ट्रेंज ई रन नॉट विदम टू द सेम एक्सेस ऑफ रॉट स्पीकिंग ईवल ऑफ यू प्रभु क्या बता रहा है कि पुराने समय में कैसा जीवन था आपका अब आपका जीवन वैसा गंदा जीवन नहीं है हारिलुई है उन्नीस वचन तक है पढ़ लीजिएगा खुद आप पहला पत्रस तीन चार अध्याय का तीन से उन्नीस तक तो ये आठ आत्मा है जिन्हें प्रभु धन्य कहता है ब्रोकन स्पिरिट टूटी हुई आत्मा पश्चाताप से भरी हुई आत्मा माइल्ड टेम्पर्ड जेंटल स्पिरिट हलीम आत्मा भूखी और प्यासी आत्मा तरस से भरी हुई आत्मा जो दूसरों पे तरस खाती है प्योर आत्मा शुद्ध आत्मा बुद्धि की आत्मा और जो मेल मिलाप कराने वाली आत्मा है दुख भोगने वाली प्रभु के लिए और दूसरों को क्षमा करने वाली आत्मा ये सात आत्मा जिनके अंदर है वो धन्य है आठ आत्मा ये आठ करेक्टरिस्टिक्स हैं उस बंदे के जिसे प्रभु कहता तुम धन्य हो यू आर ब्लेस्ड आजकल तो ये ट्रेंडी है ना सुपर ब्लेस्ड सुपर ब्लेस्ड सुपर ब्लेस्ड आप तब हैं जब ये करेक्टर है आपका और आपको मालूम आप ब्लेस्ड कब हो सही मायने में आप सही मायने में ब्लेस्ड तब हो जब यह होवा आपको ब्लेस्ड कहता है आप तब ब्लेस्ड नहीं हो जब लोग आपको ब्लेस्ड कह देते हैं आई ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू आप ब्लेस्ड तब हो जब यह होवा आपको ब्लेस्ड कहता है और यह होवा आपको कब ब्लेस्ड कहता है जब ये रूहे हैं आपके अंदर जो मैंने आज आपको बताई तो भाई और बहनों ये स्वभाव होना चाहिए आप में यीशु ये मसीह का स्वभाव है फिलिपियों की पत्री में लेट दिस माइंड बी इन यू और उसने एक नौकर का रूप लिया अब मैंने आपको बताया ओबेद का रूप लिया ग्रीक वर्ड है डूलॉस बंधुआ गुलाम बना यीशु मसीह बंधुआ गुलाम बना बॉन्ड स्लेव बन के आया वो और मरकु नौ अध्याय के फोर्टी फाइव बचन में कहता है मैं सेवा करवाने नहीं सेवा करने के लिए आया हूँ हाल और उसने बॉन्ड स्लेब का रूप लिया बंधुए गुलाम का और आज्ञाकारी रहा क्रूस की मृत्यु तक इसलिए यहोवा पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है ताकि यीशु मसीह के नाम में हर घुटना झुक जाए और हर जुबान यह कहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है हरी हम प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद हो हम प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु, प्रभु, प्रभु ये बी पहाड़ी उपदेश ये एक फिलॉसफ़ी नहीं है ये बड़ा डीप स्वाब फिलोसफिकल बातें नहीं है प्रभु ये मनुष्य का चरित्र है ये उस मनुष्य का चरित्र है जिसे तू धन्य कहता है ये प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है यीशु मसीह ऐसा है हाल लू हमें यीशु मसीह जैसे बनास वर्ग पिता अनुग्रह कर हमारे जीवनों पे हमारी कमियाँ घटियाँ हमारे जीवन से निकाल हमारे जीवन पे दया कर प्रभु जो हमारे जीवन में खोखलापन है बाहरी दिखावा है अडम्बर है प्लास्टिक प्लास्टिक से लगते हैं क्रिश्चियन मेकअप है बहुत बाहर एक्सटीरियर है इंटीरियर नहीं है खुदावंद छू लोगों के जीवनों को अंदर से सॉलिड जीवन दे खुदावन दया कर सारा दिखावा सारा अडम्बर सारा शो बिजनेस निकाल लोगों के जीवन से ये वर्चू हैं खुदावन एक ब्लेस्ड मैन के एक ब्लेस्ड वुमन के ये वर्चू जो आज हमने मनन किए है खुदावन ये फल हैं खुदावन उस ओक ट्री के जो ट्री ऑफ राइचियसनेस है जो यहोवा के आंगनों में लगाया गया है खुदावंद ये नेमते ये बरकते तेरे लोगों पे खोल हाल खुदावंद ये तेरे लोगों की गहराई में भेजिए कलाम भाई और बहनों जब ये आत्मा आपके पास होगी, आपकी आत्मा के आठ कैरेक्टरिस्टिक हैं ये यही कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगे आत्मा के फल गलतियों की पत्री में यही है वो आठ चीजें जो अहावा से यहोवा के प्यार से फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव उसमें से ये आठ चीजें निकलती हैं ये आत्मा के फल हैं जो आपको लगेंगे ये आपका कैरेक्टर है आपकी लाइफ का स्केच ये है आपका रेज्यूमे है ये आपका बायोडेटा है ये तो इन पे मनन करें जो आज वचन मैंने आपको दिया ऐसी आत्मा हो आपकी हाल तब स्वर्ग आपसे कहेगा आप धन्य हो गेब्रियल एंजल आपके पास आके कहेगा ब्लेसेड आर दाओ हाले लोहिया की तरह वो आपसे कहेगा यू आर ब्लेस्ड मैन यू आर डियरली बिलव्ड ऑफ गॉड फॉर द डे यू स्टार्टेड प्रेइंग गॉड हर्ड यू जिस दिन तू दु दुआ करने लगा यू हो वाने तेरी उसी दिन सुन ली भाई और बहनों आइए परमेश्वर के आगे बनावटीपन शोखिया बाहरी डंबर दिखावा हेट करें इनसे हेट करें हेट हेट करें जब आप इनसे हेट करने लगेंगे आपका जीवन छोड़ जाएंगे बारी बनावटीपन कॉस्मेटिक क्रिश्चियनिटी तब परमेश्वर ये वर्चू ड्रिल करेगा आपके अंदर ये वर्चू हमारी आत्मा में ड्रिल होने चाहिए दिखावा बना छोड़ दो अब भाई और बहनों हाल लो खुदावंद आज के दिन ये तेरा वचन जो तेरे लोगों के दिलों की जमीन पे बीजा गया है ये खुदावंद फल लाए और ये फल पैदा हो तेरे लोगों के जीवन में ताकि लोग हमारे जीवनों से तेरी खुशबू ले हमारे चेहरों पे तेरा जलाल हो खुदावंद हमारी बातें तेरी बातें हों हमारी हजूरी के संग तेरी हजूरी हो खुदावन हम जहाँ जाएं तू जाए संग में खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे नाम की हम महिमा करते हैं तुझे जलाल देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए इस दिन में आराधना करने में प्रार्थना में तेरी हजूरी में लगे रहने के लिए अपना पवित्र आत्मा पोर आउट कर खुदावन खुदावन जितने लोग इस समय ऑनलाइन है मैं एक एक को तेरे हजूर में उठाता हूँ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के आगे लेकर आता हूँ खुदावंद तेरा लहू छिड़कता हूँ मैं तेरा याजक होने के नाते अपने ऊपर अपने खानदान के ऊपर और तेरी इस मंडली के ऊपर जो इस समय ऑनलाइन है तेरा खून विश्वास से छिड़कता हूँ हाल तेरा धन्यवाद हो छू एक एक को छू खुदावंद ये आत्मा पैदा कर ये गुण आत्मा के फल पैदा कर जो आज खुदावन हमने तेरी आत्मा से सीखे हैं मसीह के जलाली नाम में आमीन हारिल हुई सबको जय यशुर बहनों फेसबुक पे आपको लगभग 16-15 सोलह सौ घंटे की शिक्षा मिलेगी शायद इससे भी ज़्यादा हो गया अब पंद्रह सोलह सौ घंटों की टीचिंग है और बहुत गहरी शिक्षा है एक पास्टर जी मुझे फ़ोन कर रहे थे बहुत इंटेलिजेंट भाई हैं और वो पाँच साल बाइबल कॉलेज पढ़ के आए हैं वो मुझे कह रहे थे ब्रदर तीन महीनों में जो मैंने आपकी शिक्षा आपकी आ, सेवकाई में ऑनलाइन जो मैंने तीन महीनों में सीखा मुझे वो ब्रदर जो शिक्षा आपने दी तीन महीनों में उन्होंने मेरे शायद 200-300 वीडियो अध्ययन किए उनके नोट्स बनाए कह रहे हैं कि इसका एक परसेंट भी उस थियोलॉजिकल सेमिनरी में नहीं सिखाया एक परसेंट भी नहीं सिखाया गया उन टीचरों ने जो आपने तीन महीने में सिखाया है ये परमेश्वर की हजूरी में से पाए गए गहरे अनमोल मोती हैं कलाम के और आपको बहुत इजीली मिल रहे हैं भाई और बहनों मैंने तो तीस इकतीस साल यहोवा के पीछे मेहनत की है मतलब मैं अपनी मेहनत का कोई गुरूर नहीं दिखा रहा हूँ मतलब उसकी करुणा है सब दया है मैं उसकी दया की उसकी दया और करुणा को ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो थर्टी थर्टी वन ईयर्स हो गए हैं और आपको कितनी ईजिली मिले हैं ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमने हमारा जीवन बदल गया हमने प्रभु को अब जाना है बहुत सारे लोगों ने बताया कि प्रभु के संग चलना हमने अब सीखा आपकी शिक्षा के द्वारा बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मुझे कॉन्फिडेंशियल मेल्स भेजी कि उनका जीवन बदल गया उनके जीवन में पाप था वो गंदे काम करते थे सेवक भी थे और गंदे काम भी करते थे बहुत सारों ने कन्फेस्ट किया मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा वो परमेश्वर के बीच में और उनके बीच में बहुत सारे लोगों का जीवन बदला जनाकारी हरामकारी से गंदे कामों से बहुत सारे सेवकों की लाइफ बदली है उनको पता लगा कलाम क्या है और परमेश्वर के संग कैसे चलना है बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां जिनके जीवन में बहुत सारे बंधन थे शैतान के पाप के जुए थे परमेश्वर के आत्मा ने वो तोड़े बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि वो टी स्क्रीन पे पूरी फैमिली बैठ के वचन सुनती है जो मैं वीडियो करता हूँ और उनके बच्चे तक नोट्स बनाते हैं मैं कई घरों में गया जहाँ पे बच्चों ने दो दो डायरियाँ भर दी नोट्स बना के वचन की आयतें लिखते हैं मनन करते हैं बाइबल खोलते हैं पढ़ते हैं एक एक वचन को परमेश्वर के आत्मा से खोल के आप जहाँ जा कई जगह जाते हो ना वहाँ पे बाइबल तो प्रीच होती नहीं है बचन फैमली आयत बोलते हैं बस फिर तो बाकी कहानियाँ शुरू होती हैं मैंने आपको एक एक वचन दिया हिब्रू, ग्रीक लैटिन परस्पेक्टिव दिया हिस्ट्री बताई उसकी चर्च हिस्ट्री बताई आपको आर्कियोलॉजी में से निकाल निकाल के बताया साइंस को फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स को केमिस्ट्री को बायोलॉजी सब चीज़ों को जोड़ के आपको परमेश्वर के कलाम की समग्र तस्वीर दी है और ये सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा है दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं दुनिया भर में दुनिया के कोने कोने में लोग सुनते हैं वचन बहुत सारे पासवान मुझे बताते हैं कि हम प्रचार ही आपके कलाम में से कर रहे हैं उसे सीख के हम प्रचार कई लोगों ने मिनिस्ट्री शुरू की है फेसबुक पे यूट्यूब पे और वो मैसेज सुनते हैं और उसके अंदर ही थोड़ा बहुत कुछ करके इस पर कोई कॉपी नहीं है ये प्रभु का वचन है मेरा नहीं है आप इसे सीखें लेकिन ढंग से सीखें अधूरा मतलब सेवकाई शुरू करने की बहुत जैसे होड लगी है जैसे कह देते हैं ना आग लगी है वो पूरी तरह सीखते नहीं है और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं अब देखिए जब कोई पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक के एंड में लिखता है उस पुस्तक के एंड में वो व्यक्ति लिखता है दो लाइनें कि इस किताब में मैंने जो लिखा है ये फलाने व्यक्ति की किताब में से मैंने कुछ सीखा फलाने व्यक्ति की किताब में से मैंने कुछ सीखा फलाने की किताब में से मैंने कुछ सीखा और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ हमारे पंजाब में प्रॉब्लम यह है कि सीख के किसी से लोग ये मुँह से कहते नहीं हैं कि हमें इस प्रभु के बंदे ने सिखाया है आपको मालूम क्यों क्योंकि झूठी शान झूठी लोगों के अंदर जो इमेज बनाना चाहते हैं ना उसकी वजह से कि हम छोटे हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया इसराइल का रहस्य क्यों इसराइल के संग खड़े होना है तो वो बस गले के अंदर डाला तली और खड़े हो गए जैसे हम तो सब कुछ सीख गए भाई और बहनों लोग बहुत प्रीमच्योरली सेवा कर रहे हैं इसलिए फल नहीं पैदा हो रहा समझ रहे हैं आप इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है मसीहत में वजह यह है कि कोई अथॉरिटी uh, किसी को मानता नहीं है अपनी स्पिरिचुअल कवरिंग हर बंदा इंडिपेंडेंट अपनी शॉप खोलनी चाहता है प्रभु की वेट नहीं करता है कि प्रभु मुझे अनुइंट करे प्रभु मुझे विजन दे प्रभु मुझे रिलीज करे प्रभु खुद लॉन्च करते हैं यीशु मसीह को तीस साल तक पिता ने छिपा के रखा केवल तीन साल ही सेवा की यीशु मसीह ने थ्री प्लस इयर्स थर्टी इयर्स पर अपरेशन है तो इसलिए क्योंकि लोगों की प्रेपरेशन पूरी नहीं है इसलिए जैसे एक कैनवस है मैं आपको कलर दूँ बहुत सारे बढ़िया और बढ़िया कैनवस दूँ और आपको कहूँ एक पेंटिंग ड्रॉ करो और आपको पेंटिंग से लेना देना कुछ नहीं है आप रंगों का इस्तेमाल करके कैनवस का बेड़ा गर्क कर देंगे ऐसे ही कर रहे हैं कई लोग कैनवस का बेड़ा गर्क किया उन्होंने फॉल्टी मिनिस्ट्री करके कोई उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं कोई स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं है उन लोगों की खुद मतलब खुद मुख्तियार जिसे बोलते हैं ना ऐसे लोग हैं उनको अधीनगी पसंद नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल कवरिंग के नीचे रहना नहीं चाहते कारण पता क्या है वो प्री मेच्योरली लॉन्च होके लोगों के बीच में चमकना चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं ये प्रॉब्लम है उन लोगों की तो परमेश्वर के पंखों के नीचे बने रहें सीखते रहें दीनता से ये आठ आत्मा जो मैंने आज अभी आपको बताई ये जिस बंदे के अंदर होंगी उस बंदे का जीवन बहुत धन्य होगा वो किसी खुदा के अभिषेक दास के पंखों के नीचे रहेगा जब तक वो खुदा का दास यहोवा के पंखों के नीचे है और सीखेगा दीनता से और एक्नॉलेज करेगा उसका हृदय ग्रेटिट्यूड से भरा होगा तो पंजाब की क्रिश्चियनिटी में बहुत फॉल्टी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है आत्मा में मैं मतलब अपनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहा हूँ स्पिरिट में जो मैंने फील किया है तो परमेश्वर के चरणों में बने रहें दीनता से और ये जो स्पिरिट मैंने आपको बताई ना आठ रूहें ये आपके अंदर नर्चर होनी चाहिए हाल ही आप सबको बहुत बरकत दे एक बार फिर हम लाइव होंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबको बरकत दे मैं आपको मैसेज कर दूंगा फेसबुक पे थोड़ा देखते रह करें मैसेज के लिए अपडेट के लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे सबको जय मसीह की और फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अलग अलग एरिया में पास्टर्स को इकट्ठा करके हम मीटिंग्स करें और पास्टर्स के छोटे छोटे सेमिनार साठ सत्तर अस्सी सौ डेढ़ सौ तक इकट्ठा करके और संगत भी इकट्ठा करें और मीटिंग सेटअप करें और उनको खाना पीना भी हम खिलाएं और फिर मैं शुरू करना चाह रहा हूं नवंबर में ऑपरेशन अहावा मेरे दिल में प्रभु ने डाला अहावा का मतलब होता है अगापे लाभ परमेश्वर का प्रेम का एक ऑपरेशन कि विडोज़ को अनाथों को और विधवाओं को और पुअर लोगों को गरीब विश्वासी लोगों की सहायता करें सर्दी में कुछ ब्लैंकेट क्विल्ट गर्म कपड़े जूते बच्चों के लिए बुक्स और कुछ ग्रोसरी का सामान और खाने पीने की व्यवस्था करें उनके लिए और फिर दूसरा मैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर नवंबर में जाके उन लोगों को भी ब्लेस करना चाहता हूँ तो इन बातों के लिए आप और आप अपना सहयोग भी दें जैसे प्रभु आपको अनुग्रह दे बोएं भी और खुदावद आपको बहुत फल देंगे हालेलुया फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद द लॉर्ड यू सबको जय मसीह